वेलकम टू महंदीशाला, ऑलवेज बी हैंडी। मैं आपका दोस्त शुभम शर्मा आज आपके लिए आरपीएफ एसआई रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके एंड जीएस का वीडियो लेके आया। तो उसमें सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। आपके पास दो सेकंड है, उसमें देखिए कि आपके अनुसार अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा और उसके अपने आप कैलकुलेट कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपके स्कोर क्या रहा। तो इसमें मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, अबुल मेहता, इसमें चार ऑप्शन है। तो पहले इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस यूज्ड इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स। तो इसमें कौन सा ग्लास यूज होता है, दो सेकंड का टाइम है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सोडा, जेना ग्लास, पायरेक्स एंड री इन्फोर्स ग्लास। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा री इन्फोर्स ग्लास। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज अकबर, नूरजहां, बाबर, बहादुर शाह। तो इनमें से देखिए बताइए कि कौन सा इसमें जो लास्ट एम्परर कौन सा था। तो यहाँ पे लास्ट एम्परर कौन सा था, बहादुर शाह। द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज पेरिस, पेकिंग, लंदन, टोक्यो। तो द आंसर इज पेरिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टाइड अप विद द जूम कार टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिसेंटली। तो महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर हैज साइंड अ ट्रीटी ऑफ 500 कार्स टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द जूम कार कंपनी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप इज नॉट ग्रोन इन केरला। केरला में ऐसी कौन सी जो कैश नकदी फसलें हैं जो कि ग्रोन वहाँ उगाई नहीं जाती, कौन सी? स्पाइसेस, रबर, कॉफ़ी, टबेको। स्पाइसेस होते हैं, रबर होते हैं, कॉफ़ी होती है, वहाँ पर टबेको नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज टैक्स फ्री, नेपाल, बर्मा, सिंगापुर, कुवैत। तो कुवैत इज ए कंट्री विच इज टैक्स फ्री। विच स्टेट इज नॉट वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, गुजरात, बिहार, केरला, तमिलनाडु। सो बिहार विल नॉट बी ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज के विद्या, सुरेंद्र जी, के एम करीपा, एस सिफूजी मानकशा, एस एफ जे मानकशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस एफ जे मानकशा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। तो ये तीनों, बर्थ, डिसेंट, ये तीनों हो सकते हैं। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल स्टेट, अपर हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट, इट विल बी द अपर हाउस। वट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी 62 या 68, 65 और 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर अपने कैलकुलेट कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं आपके कितने आंसर सही है। इसमें एज कितनी होगी, 62 ईयर्स। चंडीगढ़ वाज डिजाइन बाई, देखो ये एक सिटी है चंडीगढ़ जो कि बहुत अच्छी से वेल डिजाइन सिटी है। इसके बाहर का एक आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन की थी, वो कौन था, वो था ली कॉर्बूसियर जिसने वो सिटी डिजाइन की थी। प्योर वाटर फ्रीजेस एट द वॉट टेम्परेचर, इट इज एट 32 फारेनहाइट। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड इज अल्टीमीटर। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड एट चाइना, इंडिया, नेपाल, सिक्किम। अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए। मेरा जो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ स्टालिन, हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी। तो ये किसकी पॉलिसी थी, ये हिटलर की पॉलिसी थी। द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच इज गुजरात, एमपी, एपी और महाराष्ट्र, इट विल बी द महाराष्ट्र। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और ट्राइक्लोरोमेथेन। ये चार ऑप्शन हो तो आप गाइस देख के बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज। चार ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, तो सोच के बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें करेक्ट होगा डॉक्टर सी वी रमन। डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू, यहाँ पर चार, रिक्टस, डेंटल कैविटी, मलेरिया एंड एनीमिया। तो गाइस देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, और द करेक्ट आंसर इज एनीमिया। होप आपने आंसर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे कितने आपके सही में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि कौन से स्टेट में क्या है इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। उड़ीसा में है, नागालैंड में है, केरला में है, त्रिपुरा में। तो ये कहाँ पे है, नागालैंड में इसकी क्या है इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो टेम्पल इज लोकेटेड एट कैलिकट, पटना, सनपुर और महाबलीपुरम। सो द करेक्ट आंसर विल बी महाबलीपुरम। गाइस अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते रहिए, एट द एंड ऑफ वीडियो मेरे को जरूर बताइए। द गैस यूज इन द एक्सटिंग्विशर फायर इज CO2, नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो विच वन इट विल बी करेक्ट, इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिबेलम, मिड ब्रेन, सेरिबेरियम, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इसमें जो जो ह्यूमन का जो लार्जेस्ट पार्ट होगा ना, सेरिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाई स्क्लेरा, आयरिस, पुपिल एंड सिलेरी बॉडी।
तो ये किसके द्वारा रेगुलेट होती है? आयरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी विल बी 24। द लार्जेस्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज, द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज, तो सबसे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राजा जी वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा गाइस लॉर्ड माउंटबेटन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इसमें लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? WBC, RBC, HB या फिर प्लाज्मा। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। तो गाइस आज की ये थे 30 क्वेश्चन। होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे एग्जाम और करंटली गोइंग ऑन SI एग्जाम। तो प्लीज़ गाइस देखते रहिए और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माहिंदुशाला। और नेक्स्ट आपको वीडियो कैसा लगा वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने जो स्कोर है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा चैनल है माहिंदुशाला जिसके थ्रू मैं वीडियो डालता हूँ और इसकी आप माहिंदुशाला को विजिट कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप जो अदर टाइप की वीडियोज़ है जी मैथ्स है फिजिक्स है जिनकी वीडियोज़ मैं डालता हूँ यहाँ पर तो वो आप देख सकते हो। टिल देन गाइस थैंक यू, बाय बाय।